विकास क्या होगा कि वो बड़ा होके कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छी जॉब लगे, अच्छी रेपुटेशन ले, तो वो उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो जैसे कि अब हम अपने एरिया जबसाना में देखें तो यहाँ पे रोड्स बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे एरिया का डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट कुछ नहीं होता, वो एक आइडिया होता है, एक प्रोस्पेक्टिव होता है कि कैसे एक पर्सन खुद को ग्रो करने के लिए क्या क्या करना चाहता है, कैसे कैसे खुद को डेवलप करता है। इसी तरह हम जब नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट क्या क्या ऐसे आइडियाज, प्रोस्पेक्टिव्स या प्लान्स बनाती है जिनसे हमारा जो देश है, जो हमारा नेशन है, वो डेवलप होता है। तो हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इज नथिंग, जस्ट एन आइडिया। ठीक है, तो हर एक पर्सन या किसी भी का एक आइडिया होता है। अब वो आइडिया या तो खुद के लिए होगा या फिर कंट्री के लिए होगा। अब कंट्री के लिए कैसे होगा? जैसे कि हम ये बोले कि अगर हमारी कंट्री में सभी पीपल पढ़े लिखे हो जाए, पॉवर्टी रेट बहुत कम हो जाए, सबको जॉब मिल जाए, तो उससे क्या होगा? हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। और इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक पर्सन सोचे कि मुझे बड़ा होकर आईआईटी क्लियर करनी है, इंजीनियर बनना है, अच्छी जॉब पे जाना है, अच्छा पैकेज लगवाना है, तो वो क्या होगा? उसका ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के आइडियाज होते हैं। तो डेवलपमेंट यही होता है। तो अभी आगे वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के क्या क्या डायमेंशन हैं, डेवलपमेंट हर पर्सन का अलग अलग कैसे होता है, कि हर पर्सन के डेवलपमेंट को लेकर आइडियाज अलग अलग क्यों और कैसे होते हैं। ठीक है, आज तक हमने यही देखा है कि भाई इनकम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इनकम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर कोई पर्सन जॉब लेता है तो वो इनकम तो देखेगा ही, सैलरी तो देखेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कैसे डेवलपमेंट हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब आप सब सोचोगे कि पीपल डिफरेंट कैसे होते हैं, लोग तो सब सेम होते हैं, लेकिन हर एक पर्सन का सोचना, उसके डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव तो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमने तीन कैटेगरीज ली है, एक फार्मर की, एक बिजनेसमैन की और एक ट्राइबल्स। ट्राइबल्स कौन? जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, वो लोग। ठीक है, तो फार्मर है, एक किसान है, वो क्या सोचेगा कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? कि जो वो फसल उगा रहा है उसको अच्छे से पानी मिले, अच्छी बारिश हो, और जब वो बड़ी हो जाए, जब वो मार्केट में उसे बेचने जाए तो उसको उसका अच्छा पैसा मिले, जिससे उसको प्रॉफिट भी हो, उसकी इनकम भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, वही दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन है जो एक फैक्ट्री चला रहा है, जो एक इंडस्ट्री चला रहा है। अब उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, ग्रोथ क्या होगी, वो क्या सोचेगा कि उसकी कंपनी कैसे आगे बढ़े? तो वो सोचेगा कि भाई जो उसको टैक्स देने हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वो कम से कम पे करना पड़े, टैक्स का बेनिफिट मिले उसे। और सेकेंड पॉइंट वो क्या सोचेगा कि उसको इलेक्ट्रिसिटी की अच्छे से सप्लाई हो ताकि उसकी इंडस्ट्रीज अच्छे से वर्क कर सके। तो अब देखो, फार्मर्स और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन हैं, इंसान है, लेकिन दोनों पर्सन अलग अलग हैं और दोनों के ही गोल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसे हम जब थर्ड कैटेगरी में ट्राइबल्स की बात करते हैं, जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, गवर्नमेंट के प्लेस पे रह रहे हैं, अब इन फ्यूचर जब गवर्नमेंट क्या करती है, उस जगह पे कोई डैम कंस्ट्रक्ट करती है, कुछ भी नई चीज बनाती है जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो जो वहां लोग रह रहे हैं उनको तो वहां से गवर्नमेंट रिप्लेस करेगी, तो उनके लिए तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि उनको तो वहां से निकाला जा रहा है। तो ये होता है कि जो चीज का फायदा किसी एक पर्सन को मिल रहा है तो वो जरूरी नहीं होता कि वो सभी को मिले। सो क्या कहते हैं, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। कि जो एक पर्सन के लिए या एक कैटेगरी के लिए डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, उस चीज का उसे भी फायदा मिले। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, कि वो दूसरों को नुकसान भी दे सकती है। तो क्या नोशन है, कि नोशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स। तो इसी एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि हर पीपल का अलग अलग नोशन होता है, अलग अलग आइडियाज होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं। अभी हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी आगे हम टॉपिक में नेशनल लेवल पे बात करेंगे कि एक कंट्री का कैसे दूसरी कंट्री से अलग अलग
गोल्स होते हैं और कैसे वर्ल्ड बैंक है वो जो कंपेयर करता है एक रिपोर्ट के जरिए कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इनकम के अलावा भी कौन से क्राइटेरिया हम देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। जैसे कि अभी मान लो कि आप किसी कंपनी में या कहीं पे भी आप जॉब करने जाते हो तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि भाई हैंडसम सैलरी मिले, हमें अच्छी सैलरी मिले, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि इनकम के अलावा भी कुछ ऐसे गोल्स, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इनकम से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। अब जॉब सिक्योरिटी कैसे कि कोई कंपनी है वो आपको अच्छी सैलरी दे रही है लेकिन उसने ये बोल दिया कि जब भी हमें लगेगा हम आपको कभी भी जॉब से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपने वो जॉब ज्वाइन आप कर लोगे लेकिन तभी भी आपके मन में एक फियर, एक डर तो रहेगा ना कि कंपनी कभी भी हमें निकाल देगी। तो क्या आप ऐसी जॉब ज्वाइन करोगे जहां पे आपको सिक्योरिटी ना हो कि आपकी जॉब परमानेंट है, क्योंकि वो तो टेम्परेरी जॉब है। तो ये गोल्स भी हमारे इनकम से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं जब भी हम एक जॉब को ज्वाइन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट। अब इक्वल ट्रीटमेंट कैसे कि आपने जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे आपको अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, किसी भी तरह से आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो क्या आप उस जॉब में सेटिस्फाई होंगे? जब तक आपके मेंटल पीस को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो क्या आप उस जॉब में अच्छे से काम कर पाओगे, अपना 100% दे पाओगे? नहीं। तो क्या आप ऐसी जॉब लेना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि जहां पे हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो इतनी ज्यादा सैलरी का भी क्या फायदा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा फ्रीडम। अब फ्रीडम कैसे कि जिस जॉब में आप काम कर रहे हो हैंडसम सैलरी के साथ बट वो आपको 24 आवर्स बांध के रखता है कि भाई आपको 24 घंटे यही काम करना है, आपको यहाँ से रुकना नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है, तो वो आपके लिए स्ट्रेस हो जाएगा कि हमें पूरा टाइम यही रहना है, यही रहना है, तो वो आपके लिए फ्रीडम नहीं है। आप कहीं आ जा नहीं सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, तो ऐसी जॉब हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये मतलब है कि जब भी हम किसी जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं या हम कहीं पे भी काम करते हैं तो इनकम के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सब क्राइटेरिया, ये सब गोल्स भी हम देखते हैं। जब ये सब चीजें हमें इनकम के साथ मिलती हैं तभी हम उस जॉब को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट के पर्पज से हम देखें तो डेवलपमेंट क्या होता है, किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता, वो मिक्स ऑफ बॉल्स होते हैं कि सारे बॉल्स का मिक्सअप होता है। तो हम ये कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ बॉल्स, कि पीपल क्या करता है सारे बॉल्स को, सारे फैक्टर्स को देखता है, देन उसके बाद भी डिसीजन लेता है कि उसे क्या करना है। अब जैसे कि हम एक वुमेन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कोई वुमेन को काम पे कोई कंपनी ज्वाइन करनी है या कुछ भी ज्वाइन करना है तो वो क्या देखेगी, उसको इनकम से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इन सारी चीजों से फर्क पड़ेगा। जैसे कि अब एक वुमेन है तो वो ऑब्वियसली एक वाइफ है, हाउस होल्ड है, उसे घर का काम भी करना है और बाहर सब कुछ मैनेज करना है, तो वो ये चीज भी देखेगी कि जिस एनवायरमेंट में वो जा रही है वहां पे उसे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, किसी भी चीज को लेके, सबको वहां पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं मिलता। सेकेंड वो ये चीज देखेगी कि जॉब सिक्योरिटी, कि मेरी जॉब परमानेंट है या टेम्परेरी है। थर्ड वो ये देखेगी कि मुझे फ्रीडम है या नहीं है कि कल को मुझे कोई इमरजेंसी हो जाए, उसे घर जाना पड़े या कहीं पे भी उसे जाना आना पड़े तो जो उसके हायर लेवल के जो बॉस है वो उसे परमिशन देंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं सैलरी से भी। तो जो पीपल है वो अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सभी चीजों को मिक्स करके ही डिसाइड करता है कि व्हाट ही हैड टू डू, कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अभी तो हमने इंडिविजुअल बेसिस पे
बात की है कि एक पर्सन क्या करता है, अभी हम नेशनल से बात करेंगे कि एक गवर्नमेंट, एक कंट्री क्या करती है। अभी हमने बात की थी इंडिविजुअल लेवल पे कि एक पर्सन की ग्रोथ कैसे होती है, उसके क्या क्या डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अभी हम देखेंगे नेशनल लेवल पे कि एक नेशन के अंदर एक गवर्नमेंट या एक नेशन, एक कंट्री कैसे देखती है कि उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो अब हम बात करें नेशन। नेशन क्या होता है? सारे सिटीजन्स को मिला के ही एक कंट्री, एक नेशन बनता है। अभी हमने देखा कि हर एक पर्सन के अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स हैं ग्रोथ को लेके कि कैसे ग्रो होना चाहिए। ठीक है, तो जब उनके खुद को लेके आइडियाज अलग हैं तो ऑब्वियसली कंट्री को लेके भी अलग अलग आइडियाज हैं। जैसे कि अभी हम आपके घर की बात करते हैं, आपके घर में चार मेंबर्स हैं, ठीक है, मम्मी पापा आप और आपका भाई बहन। ठीक है, तो आप अपने पापा से पूछोगे कि पापा कंट्री को क्या करना चाहिए कि वो डेवलप हो, वो ग्रो हो, तो आपके पापा बोलेंगे कि अगर कंट्री में करप्शन खत्म हो जाए, ठीक है, कंट्री में करप्शन खत्म हो जाए तो कंट्री की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं आप अपनी मम्मी से पूछोगे तो वो क्या बोलेंगी कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, सब्जियां वैसे बहुत महंगी हो रही है, तो वो दोनों कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनकम हो जाए तो इससे कंट्री की ग्रोथ होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप बताओ आपके हिसाब से कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी, तो आप क्या बोलोगे कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ नया आना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सभी बच्चों की इक्वल ग्रोथ हो, सभी आगे बढ़े। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो वही बात है कि हर एक पर्सन के कंट्री को लेके भी अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स हैं कि कैसे कंट्री को ग्रो करना चाहिए। तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो मेन चार फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल में क्या आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साउंड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ये साउंड होनी चाहिए जो कि कंट्री की ग्रोथ में काम करे, ना कि उसको गिराने में काम करे। तो सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं कि जो हमारे एजुकेशन का लिटरेसी रेट है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे हर एक पर्सन छोटे से लेके बड़ा सब पढ़े लिखे होने चाहिए, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 के कारण हेल्थ केयर फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला था कि हमारी कंट्री में या और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हर एक कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी साउंड होनी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो थर्ड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है? जब हमारी कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हर एक नए नए इनोवेशन होंगे, काम करने के तरीके, चीजें बनाने के तरीके, सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ मॉडिफाई होगा। ठीक है, तो उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जब वो ज्यादा होगा तो हमारी कंट्री की ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और उससे जो बाहर के लोग हैं वो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। टूरिज्म भी इंक्रीज होगा, जब यहाँ पे वो देखने को कुछ नया होगा, टेक्नोलॉजी नई होगी। और वैसे भी इंडिया में तो टूरिज्म बहुत ज्यादा है क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज्यादा है। फोर्थ है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि भाई इम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में बहुत कम है। हर किसी पर्सन को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो इन चारों फैक्टर्स को मिला के एक कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम बात करें कि कंट्री का, नेशन का डेवलपमेंट क्या कहते हैं। वो बोलते हैं इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू नेशन, कि नेशन के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव कर सके। अब आप सोचोगे कि इम्प्रूव कैसे करेंगे, पूरे नेशन में इतनी सारी पॉपुलेशन है, अब उनको कैसे पता चलेगा कि कौन से लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो रही है, कौन से लोगों की नहीं हो रही। तो उसको मेजर करने का भी एक मेथड होता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इससे क्या निकलता है? जितने भी एक पूरे साल में जितना भी रॉ मेटेरियल से फिनिश गुड्स बन रही है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है पीपल्स को, उन सबका टोटल लिया जाता है, तो उससे हमारा जीडीपी निकलता है। तो जो एडिशन होता है फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज का ऑफ वन ईयर, एक ईयर का जो पूरी गुड्स जो
जो भी फिनिश गुड्स जैसे कॉटन से कपड़ा बन गया, ठीक है, तो जो कपड़े का पूरे साल का प्रोडक्शन है वो, ऐसे जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराई, तो जो सर्विसेज है वो सारी, तो इन सब का टोटल किया जाता है, तो वो हमारा जीडीपी निकलता है। ठीक है, तो जीडीपी अगर हमारे देश का, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा तो उसका मतलब हमारी कंट्री क्या है, ग्रो कर रही है। तो एक फिलोसफर ने बोला, जैसे एक पर्सन ने ये सोचा कि भाई हमारे गोल्स अलग हैं तो कंट्री के गोल्स भी अलग होंगे, ऐसे तो कंट्री की बहुत सारी पॉपुलेशन है, सब अपने अपने आइडियाज देंगे कि कंट्री को ऐसे ग्रो करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो अब गवर्नमेंट किसके आइडियाज मानेगी, क्या करेगी। तो एक फिलोसफर ने बोला, ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट पीपल एंड मैनी सच क्वेश्चंस, कि जिस आइडिया से पीपल को ज्यादा बेनिफिट होगा और जिस आइडिया पे ज्यादा पीपल एग्री करते हैं, गवर्नमेंट उसे ही फॉलो करे, चाहे उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट में हमने ये देखा कि चार फैक्टर्स होते हैं जिससे एक कंट्री का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से, पॉलिटिकल, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स, इन चारों से ही हमें पता चलता है कि एक कंट्री ग्रो करती है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि अपने सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव करना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिटीजन्स की लाइफ इम्प्रूव हो रही है, तो उसको मेजर करने का एक तरीका होता है जीडीपी। क्या होता है कि जितने भी हम फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में बन रहे हैं उनका टोटल होता है। ठीक है, तो अगर हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो उसका मतलब हमारी कंट्री क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट समझ आया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में ये बात करेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है वो कैसे कंट्रीज को कंपेयर करता है, कैसे वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सब इसको बुक से भी रीड करना, सेम यही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने शॉर्ट्स में या नोट्स बना के आपको बताया है। थैंक यू।